कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमनदीप जी, के स्टेट सेक्रेटरी प्रणव भाई, मेरे यहाँ जूरी के मेंबर जो आज की इस प्रतियोगिता का एज ए जज अपनी भूमिका निभाएंगे, मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से पंजाब का प्रभारी होने के नाते आपका वेलकम करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने समय निकाला। जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट आए हैं, मुझे खुशी है कि यहाँ हमारे बीच में हमारी बहन भी हैं और जो कांग्रेस पार्टी का और सोनिया जी और राहुल जी का हमेशा से एक बात रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करें, हम पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम करें और आम लोगों के परिवार, आम परिवार के लोग हैं, जो आम युवा हैं जिनमें टैलेंट है, उनको हम आगे लाने का काम करें। इसी के तहत यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम पूरे देश में लॉन्च हुआ और पंजाब में भी हमने इसकी शुरुआत की थी। मैंने पिछले दिनों होशियारपुर में मीटिंग करके, आपने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो हमने प्रोसेस को बताया था कि यंग इंडिया बोल कार्यक्रम क्या है। आज उसी के संदर्भ में हमारा फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो खुशी होती है कि होशियारपुर पूरे पंजाब में नंबर वन रहा है। इसके लिए मैं आपके जिला अध्यक्ष को और बाकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज हमारा सेकंड फेज का जो प्रोसेस चल रहा है, आठवीं डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे पहले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, नवांशहर, तरन तारण, ये सारा करके आज हमारा होशियारपुर का कार्यक्रम है। साथियों, जिस तरीके से जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो आपने देखा कि हर इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने का काम किया। आप चाहे जुडिशरी, हम जुडिशरी की बात करते थे कि किसी को भी न्याय नहीं मिलता था, वो क्या कहता था, मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, यानी उसका जुडिशरी पे इतना विश्वास था। लेकिन जब से ये सरकार आई, इसने हर चीज़ को दबाने का काम किया। किसान, आप मेरी बात ही जानते हैं कि पंजाब भी वो देश है जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है और आज किसान सड़कों पर है। आज नौजवानों की हालत क्या है, आज जितने भी सरकारी संस्थान, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने प्रॉफिट वाले, जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था, आज मोदी एक एक करके बेच रहा है, चाहे वो LIC चाहे एयर इंडिया। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम नौजवान उसकी आवाज़ उठाएं और यूथ कांग्रेस आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए। इसी के तहत एक कॉम्पिटिशन पूरे पंजाब में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप लोग यहाँ अपना कॉम्पिटिशन में अपना टैलेंट दिखाइए, उस टैलेंट के आधार पर जो हमारे जजिस हैं वो तय करेंगे कि कौन लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसमें 5 प्रवक्ता हम जिले लेवल पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें इन 5ों को फिर मौका दिया जाएगा प्रदेश में और प्रदेश लेवल पर 10 प्रवक्ता हम बनाएंगे। तो ये हमारी लीडरशिप, कृष्णा जी, श्रीनिवास जी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप आकर यहाँ अपना टैलेंट शो कीजिए, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, किसी भी मुद्दे पे बात रखिए, इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं है, कोई इंग्लिश को प्रेफरेंस या हिंदी को प्रेफरेंस वैसा नहीं करना है। हमें कोई भी लैंग्वेज, चाहे लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। बात यह है कि प्रवक्ता वैसा होना चाहिए जिसकी बात लोगों को समझ आए, जो लोगों को कनेक्ट कर सके। तो आप किसी भी मुद्दे पर आकर यहाँ 4-5-6 मिनट जो भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए, उसके बाद हमारा जो भी जजेस का रिजल्ट होगा वो हम आपको बता देंगे और प्रदेश का जो कंपटीशन होगा वो 5 नवंबर से पहले पहले वो डेट हम आपको बता देंगे। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं धमनदीप जी को बधाई देता हूँ, इसलिए बधाई देता हूँ कि इनका जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका, जब मैं आया तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि जजेस का एक अलग तरफ से, और यहाँ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की तरफ से इन्होंने अपने पार्टिसिपेट के लिए सर्टिफिकेट भी रखे हैं। तो कुछ अलग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और अच्छे तरीके से आप आगे भी इसी तरीके से काम करिए, आपको हमारी शुभकामनाएं। जय। थैंक यू सर। मैं सारे